अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम टोयोटा विड 2016 मॉडल का रिव्यू लेके आए हैं। और ये 2016 मॉडल है और 2020 की इंपोर्ट है। आए आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। सर, इट्स अ 2016 मॉडल और 2020 में ये इंपोर्ट की गई है गाड़ी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इस दफ़ा टोयोटा ने ऐड ऑन किए हैं इसमें, जो कि एक बहुत सेफ्टी के लिए हाथ से जो है ना बहुत अच्छे हैं फीचर्स। और इसकी ड्राइव जो है पहले से उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर की है, ग्रिप वाइज अच्छी की है, और इसमें जो फीचर्स जो रिक्वायर्ड थे एक अच्छी मतलब कि पैकेज के लिए गाड़ी के, तो वो इसमें उन्होंने ऐड ऑन किए हैं। बाकी इसमें जो ऑप्शनल चीज़ें हैं काफ़ी, जिसमें आप अपनी एक्स्ट्रा से आफ्टर मार्केट चीज़ें वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है, जापान से नहीं आया, इसमें आप मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसमें बटन्स लग जाएंगे। इसके अलावा और इसमें अलॉय रिम की कमी है, वो अलॉय रिम भी इसमें जो है बड़े वो खूबसूरत लगते हैं और एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है गाड़ी का। और ये इसमें पेट्रोल एवरेज जो है इस दफ़ा बहुत अच्छी ही इन्होंने, क्योंकि इसका जो इनटेक इन्होंने चेंज किया है इंजन का, और इसकी टॉर्क जो है बेहतर की है, और इसकी जो लॉन्ग पे एवरेज है वो तकरीबन जो है ना वो जो हमने जो इसकी ली है पेट्रोल एवरेज फ्यूल एवरेज वो 18 to 20 किलोमीटर है, और इन सिटी जो है ये 15 to 16 किलोमीटर ईजीली देती है गाड़ी। और इट्स अ फोर ग्रेड कार, और ये नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, और ये जो फ्रेश इंपोर्ट है, इनकैशमेंट क्लियर के साथ गाड़ी है ये। और आए बाकी आपको इसका बॉडी का रिव्यू देते हैं। इस वक्त आपके सामने मौजूद है टोयोटा विड 2016 का मॉडल है, 2020 की इंपोर्ट है। सबसे पहले आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड दे देते हैं ताकि आपको गाड़ी की लुक का अंदाजा हो जाए। टोयोटा विड 2016 मॉडल है, 2020 की इंपोर्ट है। गाड़ी को बैक साइड के फैंस आप देख सकते हैं। बिल्कुल न्यू कंडीशन में गाड़ी अवेलेबल है हमें। गाड़ी की लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, गाड़ी पे किसी किस्म का कोई स्क्रैच यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की हेडलैम्प से, तो इसमें हमें क्रिस्टल हेडलैम्प मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल और पार्किंग सिग्नल जो है वो हमें हैलोजन बल्ब में मिल जाते हैं। अगर हम बम्पर की बात करें तो बॉडी कलर में इसका बम्पर आता है जो कि ब्लैक कलर में प्लास्टिक ग्रिल के साथ, यहाँ हमें सेंटर में विड्थ का लोगो मिल जाएगा। लेफ्ट साइड वाई हेडलैम्प आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ बम्पर में हमें फॉग लाइट्स की ऑप्शन नहीं मिलती। ओके जी फ्रेंड्स, अगर इसके व्हील्स की बात कर लें तो इसमें हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, लेकिन हमें इसमें यहाँ इंपोर्टेड जापानीज टायर मिल जाएंगे। और इसमें चारों टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम है। ओके जी, तो बैक साइड से फ्रेंड्स अगर बात कर लें तो यहाँ पे हमें ब्रेक लैंप जो है वो एलईडी में प्रोवाइड किए गए हैं, और जो टर्न सिग्नल है वो हमें हैलोजन बल्ब में मिल जाता है। इसके अलावा रिवर्स लैंप हमें यहाँ पे हैलोजन बल्ब में मिल जाता है। विड्थ लिखा हुआ हमें यहाँ मिल जाएगा बैक साइड पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स रिवर्स व्यू कैमरा इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्रोम की मिल जाएगी ग्रिल, जिसके ऊपर टोयोटा का लोगो मिल जाएगा हमें क्रोम में।
इसके अलावा रियर बम्पर की बात करें तो फ्रेंड्स बॉडी कलर में रियर बम्पर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि बॉडी कलर के साथ आता है। बैक विंडशील्ड में हमें वाइपर की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे हमें स्पॉइलर पे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा जिसके साथ में आपको स्क्रीन शॉवर जो होता है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बैकलाइट फैंस आप देख सकते हैं। चारों टायर की कंडीशन जो है फ्रेंड्स वो सेम है। इसमें 165x70 का टायर साइज हमें मिल जाएगा और 14 इंच के व्हील्स हमें मिल जाएंगे इसमें। चलिए आपको गाड़ी के इंटीरियर की एक लुक दे देते हैं। ओके जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं। ग्लॉसी फिनिश ब्लैक और ग्रे कलर में हमें यहाँ पे मिल जाता है। सिल्वर कलर की ट्रिमिंग के साथ डैशबोर्ड। जहाँ तक इसमें ड्राइवर डोर की बात कर लूँ तो ड्राइवर डोर पे हमें विंडो लॉक के बटन, उसके अलावा सेंटर लॉकिंग और ड्राइवर विंडो जो है वो ऑटो में है। इसके अलावा हमें बाकी विंडोज के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिल जाता है। एक स्टोरेज कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छी स्पेस वाला मिल जाता है, इसमें एक बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल साइड व्यू मिरर्स, उसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हमें यहाँ हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे हमें हाई बीम को ऑटो के लिए एडजस्ट मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे हमें बटन मिल जाता है। स्टीयरिंग की क्वालिटी फ्रेंड्स आप देखें काफ़ी अच्छी क्वालिटी, जैपनीज मॉडल है ये, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। स्टीयरिंग व्हील के हमें SRS एयरबैग की ऑप्शन मौजूद है और एक SRS बैग हमें लेफ्ट सेंटर साइड पे भी मिल जाएगा। ओके सर, अगर मैं इसकी फ्रंट सीट की बात करूँ तो दोनों फ्रंट सीट फैब्रिक्स में हमें मिल जाएंगी और दोनों फ्रंट सीट हेडरेस्ट के साथ आती हैं। ओके जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें साइड व्यू मिरर मिल जाता है जिसमें हमें रिडार सिस्टम मिल जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें सेंसर मौजूद होते हैं गाड़ी के ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें हमें मिल जाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ये सनशेड्स और सनशेड दोनों साइड पे, ड्राइवर साइड पे हमें मिरर की ऑप्शन मिल जाती है जबकि पैसेंजर साइड पे मिरर की ऑप्शन नहीं मिलती। यहाँ पे हमें कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप डैशबोर्ड की क्वालिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये रहा इसका इंटरटेनमेंट सिस्टम जो कि कैनवुड का ओरिजिनल इंटरटेनमेंट सिस्टम लगा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मैनुअली एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे हमें लाइटर की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा CVT ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक फ्रंट वो आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा पैसेंजर डोर की बात करूँ तो पैसेंजर डोर से हमें ग्रॉसरी फिनिश सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ पैसेंजर डोर पर हमें दिया गया है, जिसमें हमें नीचे एक स्टोरेज मिल जाती है और उसके अलावा एक स्पीकर हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें यहाँ रूफ पे एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैक सीट की तो बैक सीट्स पे तीनों सीट के साथ हमें हेडरेस्ट के साथ मिल जाती हैं जो कि फैब्रिक काफ़ी अच्छे फैब्रिक के साथ हमें यहाँ पे सीट मिल जाती हैं। तीनों सीट के साथ सीट बेल्ट की ऑप्शन मौजूद है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ बैक साइड का डोर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, इसका बैक साइड डोर जिसपे हमें विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन मिल जाता है और एक यहाँ पे स्पीकर हमें मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स गाड़ी की मौजूद बैक साइड में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट पीछे करने के बावजूद गाड़ी में लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आया। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैन्युअली पार्किंग ब्रेक हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है हमें और दीगर बटन लगाने की ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा बैक साइड पे फ्रेंड्स अब यहाँ जैसे यहाँ पे एक कप होल्डर और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट हमें मिल जाता है। ओके जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आप गाड़ी को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं।
एनालॉग में हमें यहाँ स्पीडोमीटर दिया गया है, 180 तक मैक्सिमम स्पीड दी गई है। इसके अलावा राइट साइड पे हमें फ्यूल इंडिकेटर गेज मिल जाती है, और उसके अलावा सेंटर में हमें छोटा सा एक डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें हमें गाड़ी का ऑडोमीटर और गाड़ी की फ्यूल माइलेज वगैरह दिख जाएगी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप ये गाड़ी का इंटरटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमें दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। SRS एयर बैग की सहूलत इस गाड़ी में मौजूद है, और इसके अलावा ABS की ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। इसके अलावा नीचे हमें यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर हमें एक स्टोरेज के लिए जगह मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। AC की ऑप्शन हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। राउंड शेप में हमें यहाँ एयर वाइंड मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड पे दो एयर वाइंड हमें यहाँ सेंटर साइड में रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाते हैं, और एक राउंड शेप में हमें पैसेंजर साइड पे एयर वाइंड मिल जाता है। और सर इसमें जो एडिशनल फीचर जो है वो आपको भी रिव्यूज में बताए हैं सारे, और इसमें एक जो मेन जो फीचर आपको बताया था पहले भी कि ये इसमें CTBA सिस्टम जो है वो इसमें टोयोटा ने इंस्टॉल किया है, जो कि आपको ऑटो ब्रेक असिस्ट देगा। और एक और चीज कि ये जो टोयोटा विट्स गाड़ी है, इसका जो अब जो मार्केट में जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे किया पिकांटो है, वो भी 21 प्लस की गाड़ी है, 2 मिलियन से ज्यादा गाड़ी महंगी है वो। और फिर इसके अलावा सुजुकी की कल्टस जो आ रही है AGS, वो ऑटो गेट जो है शिफ्टिंग वाली, उससे ये 100 टाइम बेटर ये गाड़ी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो CVT गियर का फंक्शन और ये फ्यूल एवरेज, इसकी 100 टाइम बेटर है। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन जो टोयोटा विट्स है ये लास्ट 12 to 13 years ये लोगों के दिलों पे इसने राज किया है, और एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल इन्होंने एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके बाद इसमें जो 2017 में जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनकी प्राइजेस बेसिकली जो हम अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसी पाकिस्तान की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो गाड़ी तकरीबन जो है ना 2 मिलियन से ऊपर ही चली गई है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप गाड़ी का इंजन देख सकते हैं। अगर फ्यूल माइलेज की बात करूँ तो 14 से 16 पर लीटर जो माइलेज है वो हमें मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट। करीब से आपको गाड़ी के सारे इंजन के कंपोनेंट्स दिखा देते हैं। टोयोटा विज 2016 मॉडल है, 2019 की इंपोर्ट है। कंडीशन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन ये गाड़ी है। यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप गाड़ी के देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये था टोयोटा विज 2016 मॉडल का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।